आज मैं क्लास 12 वालों के लिए इम्पॉर्टेंट नोटिस देने वाला हूँ। जिनका एडमिशन कॉलेज में होने वाला है वो अपना रिज़ल्ट अभी तक कैसे चेक कर सकते हैं, तो वो चेक करने का ये ऑफिशियली CBSE की तरफ से एक नोटिस आया है। आप उसको चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं कि वेरिफिकेशन हो या रिवोल्यूशन हो, उसको एक यहाँ पे देखिए नोटिस में लिखा है परिणम मंजूसा, और डिजी लॉकर से आप चेक कर सकते हो। और साथ ही साथ आपने जहाँ से अप्लाई किया था, दे हैव अप्लाइड फॉर वेरिफिकेशन रिवोल्यूशन वेयर मार्क्स हैव चेंजेस अपवर्ड और डाउनवर्ड, वहाँ से भी आप जाके लॉगिन करके अकाउंट को पहले लॉगिन करना है, इस को चेक करने के लिए अकाउंट को ऑपरेट करना, फिर लॉगिन करना। लॉगिन करके आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, और आपको पुराना वाला रिज़ल्ट अपने स्कूल में रीजनल ऑफिस में जमा करना होगा, फिर नया आपको मार्कशीट प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आपका रिज़ल्ट में मार्क्स में चेंजेस होता तो आपको ऑफिशियली आपको एक लेटर भी आएगा, स्टूडेंट हुज मार्क्स हैव बीन चेंज्ड आर रिक्वेस्टेड टू सरेंडर देयर मार्क्सिट एंड टू द कंसर्नेड रीजनल ऑफिस। यहाँ साफ साफ मेंशन किया गया, और आपको लेटर भी भेजा जाएगा, ये भी मेंशन किया गया, ठीक है। और ये चेक करने के लिए क्या होता है, CBSE का एकेडमिक रेस्पिरेटरी एक वेबसाइट होगा CBSE मंजूषा बोल के, ठीक है, परिणाम मंजूषा, वहाँ से चेक कर सकते हैं, डिजी लॉकर से कर सकते हैं। सिर्फ इसमें आपको सिंपली एक अकाउंट साइन इन करना पड़ेगा, जिसको साइन इन बोलते हैं, उस पर करना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा, मोबाइल नंबर नाम मेंशन करके वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट में लेके जा रहा हूँ, ठीक है। आप सबसे पहले किसी भी ब्राउज़र में cbse.nic.in जाएंगे, फिर क्लिक फॉर CBSE रिज़ल्ट पे क्लिक करेंगे, फिर आप इस पेज में पहुँच जाएंगे। सेकंड इस पेज में नोटिस वाले पेज में पहुँचेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ नोटिस वाला पेज कौन सा है, ठीक है। आप नोटिस वाले पेज में आ जाएंगे तो आप उसी पे, नोटिस वाले पेज अभी नहीं आया, इस पर हम डायरेक्ट क्लिक करते हैं, आपको दिखाते हैं। ये फिर ये आ गया, देखिए ये नोटिस साफ साफ दिखाई दे रहा है, पब्लिक नोटिस फॉर द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर वेरिफिकेशन रिवोल्यूशंस टू डेटेड इतना करके 14/6/2019। मैं इसका लिंक दे दूंगा PDF का, वहाँ से जाके आप डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद से आपको ये, अब जैसे उसमें आएंगे उसके नीचे क्लिक करेंगे, उस नोटिस पे जैसे क्लिक करेंगे, ये नोटिस जो चेक करने के लिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रिवोल्यूशन, इस पे जैसे क्लिक करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे, क्लिक फॉर अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे पहुँच जाएंगे, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और अदरवाइज इसको छोड़ करके यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर साफ साफ आपको नज़र आएगा, नीचे की तरफ आने पे यहाँ पे देखिए ऑनलाइन, यहाँ पे आपको नज़र आएगा परिणाम मंजूसा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, और डिजी लॉकर पे भी क्लिक करके चेक कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पर क्लिक करके दिखा रहा हूँ कि आप किस पेज में पहुँचेंगे। तो आप इस पेज में पहुँचने के बाद से फिर आप यहाँ पर डिजी लॉकर में क्लिक करेंगे, डिजी लॉकर में परिणाम मंजूसा आएगा, उसमें क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। फिर वहाँ पे क्लिक करने के बाद से CBSE एंड रीजनल ऑफिसेस कैन स्टोर एक्सेस अपडेट्स एकेडमिक रिकॉर्ड्स, उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो फिर आप नेक्स्ट वाले पेज में पहुँच जाएंगे, वो नेक्स्ट पेज आपका ऐसा रहेगा, ऊपर वहाँ पे क्लिक करने से ऐसा रहेगा, अकाउंट बनाना होगा और फिर लॉगिन कर देना होगा, यूज़र नेम पासवर्ड आपका बना हुआ है तो आप इंटर करके चेक कर सकते हैं, नहीं तो आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा, अकाउंट क्रिएट करके आपको फिर से बनाना होगा, फिर वहाँ अपडेट करना होगा। डिजी लॉकर के थ्रू भी आप सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, यहाँ पे अकाउंट क्रिएट का ऑप्शन आएगा, ठीक है, साइन अप फॉर फ्री, यहाँ पे अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जाके चेक कर सकते हैं। इसी तरह का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन पर प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसका लिंक